आज मैं करने दूंगा तो पैसे निकालोगे, पैसे निकालोगे, पैसे निकालोगे, छोड़ोगे नहीं पैसे। अब बहुत हो गया, ठीक है, क्या ठीक है, बहुत हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। फ्रेंड्स, आज एक धमाकेदार प्रैंक मैं करने जा रहा हूँ, जिसमें मेरा साथ दे रही है मेरी फ्रेंड, मतलब मेरी वाइफ की एक फ्रेंड है, वो भी साथ में दे रही है मेरा। मैंने उनको कॉल करके बोल दिया था कि मतलब मैं आपके घर पे आ रहा हूँ कुछ प्लानिंग करने के लिए, और ये कुछ ड्रेस मैं लाया हूँ, आप लोग देखिए, मैं उनके घर पर जा रहा हूँ और बाकी प्लानिंग मैं उनके घर के अंदर आपको बैठ के बताता हूँ। नॉक कर रहा हूँ। हाय। हाय। ये हैं मिस करुणा जी, ये मैं उनके घर पे आ गया, ये सारे लोग हैं मेंबर, हम और सारे मिलकर प्रैंक बना रहे हैं। तो हम लोग एक आज प्रैंक बनाने जा रहे हैं। मैं इनको बेसिकली समझा देता हूँ क्या हुआ। ये ड्रेस है, लहंगा, जो कि मेरी वाइफ का है, और यही लहंगा ये जो मेरी वाइफ की फ्रेंड है वो पहन करके मेरे घर पे आएंगी, और हम लोग एक बहुत ही मजेदार धमाकेदार प्रैंक करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा सेकंड मैरिज प्रैंक, जिसमें सारे लोग साथ दे रहे हैं। ये हैं इनके हस्बैंड, इधर देखिए, हेलो, ये हैं इनके हस्बैंड और ये सारे लोग हैं, तो सारे लोग हमारे वीडियो में इस प्रैंक में साथ दे रहे हैं, सारे लोग इस प्रैंक में साथ देंगे मेरा। अभी करुणा जी मेरे घर अभी मेरी वाइफ का ये जो लहंगा है जो आप देख रहे हैं, ये पहन करके मेरे घर पे भी आएंगी, और उसके बाद देखिए क्या धमाल मचता है। तो मैं मजा आएगा। काफी देर हो गया मुझे घर से निकले हुए, तो मैं अब जल्दी से जल्दी जा रहा हूँ अपने घर पे वापस, और मैं वहाँ पे प्लानिंग करता हूँ, और कल मैं मिलता हूँ आपको अपने घर पे, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं अभी घर आ गया हूँ, अब कैमरा सेट करने के लिए आया था मैं, अब मैं वापस जा रहा हूँ। 10 से 15 मिनट के बाद फिर हम लोग आएंगे वापस सबके साथ में। आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिए, बहुत मजा आएगा आज की वीडियो में आप लोगों को, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आ गया हूँ अपने घर के पास, और अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँगा। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि आज काफ़ी लंबे चौड़ी प्लानिंग चल रही है हमारी, तो इस वीडियो में आपने स्टार्टिंग में देखा है कि अब वहाँ पे सबको ही साथ दे रहा था मेरा, और मैंने पूरी फैमिली को लेके आया हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये हैं मिस करुणा जी, जो कि मतलब इस वीडियो में मेरी वाइफ का रोल प्ले करेंगी, और ये उनकी मदर हैं, जो कि मतलब वीडियो में साथ में हमारे साथ रहेंगी, जिससे कि ये वीडियो के बनाने का जो पर्पस है वो मेरा काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। इस प्रैंक को रियलिस्टिक देने के लिए मैंने ये प्लान किया है, ताकि मेरी वाइफ को बिल्कुल शक ना हो कि ये कोई प्रैंक हो रहा है, उनको लगे कि बिल्कुल ये सब बिल्कुल जो है बिल्कुल प्लान, मतलब रियल है, ये बिल्कुल रियल हो रहा है जो भी हो रहा है। तो ज़्यादा देर नहीं करता हूँ, अब मैं चलता हूँ, डोरबेल बजा रहा हूँ, देखता हूँ उसका रिएक्शन क्या होता है। A few moments later. सेटलमेंट ये करना चाहता हूँ कि अब जो हो गया सो हो गया, बहुत तुम मुझे परेशान कर रही थी,
अब मैंने दूसरी शादी कर ली है, ठीक है। दूसरी शादी तो मेरी दोस्त ही मिली थी आपको शादी करने के लिए, और तुम तो उसे भैया भैया बोलती हो ना। अरे यार तुम हटो यहाँ से, उससे बात मत करो, उससे बात मत करो। क्यों नहीं बोलूंगी मैं से? नहीं बात करना है उससे। क्यों? हटो तुम उधर, हटो। नहीं हटूंगी मैं, आपसे तो बोलना ही बेकार है। दोनों साथ में रह लेना, ठीक है। एक रूम में तुम रह लेना, एक रूम में ये रह लेगी। मैं उस रूम में रह लूंगी। अरे तुम शांत रहो, तुम्हारे से तो मैं देखी भी नहीं। सच्ची ना? चुप रहो। अरे यार अजीब हाल, मम्मी जी भी यहीं पे है, क्यों बेइज्जती करवा रही है? बेइज्जती क्या, मेरा घर तबाह कर दूं क्या मैं? घर नहीं तबाह हो रहा है। तो क्या हो रहा है ये? एक कमरे में तुम रह लेना, एक क्यों मैं रहूंगी किसी को एक कमरे में? अच्छा है ना, एक कमरे का ही रूम लूंगी अब मैं, नहीं रहना है मुझे। नहीं सुनो, अच्छा है ना तुम एक कमरे में बैठ कर आओ, तो इंस्टाग्राम पे रील बनाते रहना, वीडियो बनाते रहना। रील बनाना पुनीता, मैं सारा काम कर दिया। सब कोई टेंशन नहीं तुम्हें, तुम आराम से महारानी की तरह बैठे रहो। नहीं मुझे नहीं करना है महारानी की तरह। यार इतना तो आराम दे रहा हूँ, नहीं मैं करूंगी। मेरे का पति जो आराम देने के लिए बिल्कुल दूसरी पत्नी लेके आ जाए, जो बिल्कुल बड़ी महारानी की तरह बैठी रहो। आपको शर्म नहीं आया ऐसा करने में? देखिए हम लोगों ने आशीर्वाद ले लिया मम्मी जी का, आओ फिर से आशीर्वाद ले लो। क्या कर रहे हैं आप लोग? यार आशीर्वाद देना सुनिए, मम्मी भी साथ में ही, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हम लोग हंसता खेलता प्रकार एक साथ रहेंगे। तुम आराम से अपना इंस्टाग्राम पे रील बनाना है, कभी वीडियो बनाना है, कभी घूमने जाना, शॉपिंग करने जाना, तनु का भी टेंशन नहीं, सब कुछ मैनेज कर लेंगे हम लोग। मुझे नहीं चाहिए ये सब, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए इतना आराम, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। एक काम करो सुनो, क्या? आराम से जाओ रूम में, ठंडा पानी पियो, दिमाग शांत करो, समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है? चलो मुझे कहीं नहीं आना है यार, आपको निकाली निकाली आप। एक काम करो तुम जाओ, नहीं कहाँ जाएगी अंदर? नहीं जाएगी अंदर, ऐसे रस्ते से जाएगी। अब तो मैं आ गई, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी पत्नी है वो, ऐसे में बात करना है। पत्नी है, मैं क्या हूँ? तुम भी हो, इसलिए तो मैं क्या हूँ? इसलिए तो बोल रहा हूँ प्यार से कैसा हो। पत्नी तुम, बड़ी पत्नी। कितना संस्कार भरा पड़ा है इसमें, कितना संस्कारी है। इसका सारा संस्कार मैं भी निकाल लेती हूँ। कुछ कहीं निकालना है, आप हटी मेरे सामने से। अरे यार तुम बहुत लड़ाई करती हो, तुम चलो नहीं। कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम जाओ उधर, तुम जाओ तुम ना। आज तुम्हें छोड़ूंगी नहीं आपको, यही दिन देखना बाकी था। हाँ एक काम करो, तुम आराम से बैठो, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। कैसे तुम मेरे टीचर नहीं जाऊंगी? अरे यार कर लो, निकलो तुम घर से। कोई कहीं नहीं जाएगा यहाँ से, मैंने बोल दिया ना कोई कहीं नहीं जाएगा। एक मिनट शांति से पहले सुन तो लो, आप ऐसा क्यों किए मेरे साथ? क्यों किए इसका? इसे तुम्हें दोस्त से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आप तो मुझे कब से जान रहे हैं? आराम देने के लिए, तुम्हें आराम देने के लिए। मम्मी जी को कोई परेशानी नहीं है, इनको कोई परेशानी नहीं है, तो तुम्हें क्या परेशानी? मुझे समझ में नहीं आ रहा है इनको क्यों परेशानी नहीं है। और कुछ? यार तुमसे बात करने में बेकार है, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए यहां से। तुम चलो पहले यहां से, मैं कहीं नहीं जाऊंगी ना। हटो, अरे हटो यहां से, जाओ यहां से। मतलब आप आज ये आ गए, इसकी आपको धक्का दे रहे हैं? धक्का नहीं दे रहा, तुम बात को समझ ही नहीं रही हो। पानी दे दीजिए, पानी पी लीजिए। नहीं पानी दे, मुझे तुम्हारे हाथ कुछ नहीं चाहिए। अरे यार अब है ना साथ में ये, तो पी लो ना पानी। अब हम लोग एक हंसी खुशी, हंसी खुशी रहने में कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी, कोई दिक्कत है आपको बताइए, इन से पूछिए, कोई दिक्कत है आपको? आप नहीं, दिक्कत नहीं है, जाने दो, तुम आराम करना ही काम करेंगे। इनको कोई इशू नहीं, आप आराम करो, बिल्कुल आराम से महारानी की तरह, बिल्कुल ऑर्डर देना, सुबह सुबह चाय आ जाएगा, दोपहर में खाना बन जाएगा। मैं अपनी सारी फैमिली लिपस्टिक दे दूंगी। फिर और क्या चाहिए, इससे बड़ी बात होगी? मतलब मैं क्या लोकल यूज करती हूँ? अरे लोकल मुंह बंद, रील बनाना। नहीं नहीं मैं क्या लोकल यूज करती हूँ? क्या नहीं, मैं बता रही हूँ, शेयर कर लेंगे, कोई नहीं। मुझे कुछ नहीं शेयर करना, कोई नहीं शेयर। मैं इससे बात कर रही हूँ ना, आप प्लीज इस नंबर आइए, बहुत हो गया ये। अब यही प्रोटेक्ट करेंगे ना मेरे को। चलो उधर चलो, तो पहले ये इतना
ये आज आप शादी कर रही है, ये मतलब मैं 9 साल से हूँ आपके साथ, तो उसे कुछ नहीं, ये बहुत ज्यादा बोल रही है। अब हो गया ना, इतना क्यों वो बोल रही है? अब हो गया ना, उसका मुंह बंद करवाइए। इस घर में ना बस मैं बोलती हूँ और कोई नहीं बोलता है। बहुत बर्दाश्त, तुमसे भी तेज है वो, बहुत बर्दाश्त कर रही है, बहुत चुप रह रही है। निकालो इसको, इस घर में ये नहीं रहेगी। चलो मैं जाऊँ, बेकार अपना बिजली कर रही हो, अभी इज्जत से बात कर रहा हूँ, मान जाओ। बाद में पता चलेगा ये भी बेइज्जती करने लगी है, अभी पता चलेगा एक रूम मिल रहा है, थोड़ी देर बाद वो भी रूम नहीं मिलेगा, बाहर आना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें प्यार से बात कर रहा हूँ तो? घर से बाहर नहीं बोलेगी तू मुझे? घर से बाहर नहीं जाएगी? नहीं नहीं, वो कैसे बोल रही है मुझे? वो बोल कैसे रही है? तुम भी तो ऐसे ही चिल्ला चिल्ला बात कर रही हो तुमसे। अरे तुम मतलब मैं नहीं बोल सकती हूँ? बोल सकती हो, बोल सकती हूँ ना, बोल सकती हो, लेकिन थोड़ा धीरे बोल सकती हो ना, ऐसे बोलो, सुनो छोटी चाय लाओ, ऐसे बोल सकती हो, वैसे नहीं जैसे तुम बोल रही हो। बोल दिखा यार। मैं बोलूंगी हाँ दीदी लाई। क्या बोल दिखा यार, क्या हो रहा है ये ड्रामा? क्यों ऐसे कर रहे हैं यार? वो तो गया, आप चलो अंदर चलो। कुछ कुछ गलती हुआ था मेरे से? कोई नहीं, हम लोगों को अभी बहुत प्लानिंग भी करनी है, छुट्टी में घूमने भी जाना है हम लोगों को। ओह नो यार, कौन जाएगा छुट्टी में? वो जाएंगे शादी में, कौन जाएगा घूमने के लिए? मालदीव जाने चुका है। चार तुम दोनों निकलो मेरे घर से। नहीं नहीं, आपको भी नहीं जाना है, मुझे बाहर नहीं जाना है। सुनो तो आपको यहाँ नहीं रहना है, निकलना तुम निकलो यहाँ से। क्यों जाओगे? वो शादी करके आई है, वो क्यों जाएगी? आप दोनों निकलिए। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। सुनो आप दोनों निकलिए। सुनो एक बार, क्या परेशानी तुम्हें है? तुम निकलो यहाँ से। मैं निकलूँ? हाँ तुम जाओ यहाँ से, निकलो। मैं कहाँ जाऊंगी? जहाँ आना जाओ, जाओ जाओ, तुम निकलो, तुम निकलो। मतलब इसके चक्कर में आप मुझे निकाल रहे हैं बाहर? आपको समझ नहीं आ रहा है? अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ नहीं रही हो, तुम लड़ाई झगड़ा कर रही हो। मैं तो, मैं मेरी मम्मी साथ में आ गई, हम दोनों। बिल्कुल, देखिए इसीलिए तो मैं साथ में लेके आया है कि कोई दिक्कत ना हो। अब दो चार दिन साथ में रहेंगी, पूरा बेटी का घर परिवार बसा करके उसके बाद ही जाएंगे यहाँ से। तुम हो गई समझ, नाम ले रही हो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना, आराम से एक रूम में बैठे रहो, एसी ऑन करके जाओ, एसी ऑन कर लो, आराम से दिमाग को ठंडा करो, ठीक है? मस्त फल फ्रूट खाओ, अभी थोड़ी देर में खाना पीना सब मिल जाएगा। आज इसके हाथ का बना हुआ, आज पहली बार कराई है, मीठा बनाना, ठीक है? मेरे को सगुन भी चाहिए सबसे। हाँ सगुन दो ना। यार गजब, लड़ाई लड़ाई नहीं, शांत दिमाग से, शांत कूल कूल। यार ऐसे ऐसे कौन कूल होता है? तुम इतना एक बार भी बोली भी नहीं कि तुम सुंदर लग रही हो। तारीफ तो कर दीजिए मेरे नई पत्नी का। वो ना और दिन मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन आज इस रूप में देखे ना, मुझे इससे ज्यादा छुड़ाने तो कोई दिखी नहीं। मुझे आज इसी रूप में सबसे सुंदर लग रही है। तुम्हें क्या मिला करूँ ना ऐसा करके? अरे उससे नहीं, मुझे उससे पूछना है, वो मेरी फ्रेंड है। नहीं अब उसके बदले मैं जवाब दूंगा, जो पूछना है मुझसे पूछ। नहीं मैं उससे जाती हूँ ना, जवाब देना। नहीं कोई जवाब नहीं देगी वो। तुम मेरा लहंगा पहनी हो, जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो मेरा है वो इसका, यानी कम तीनों का सब कुछ। ये बोले कि ये पुनीता से ज्यादा तुम्हारे ऊपर अच्छा लग गया, तो फिर लगने का है। तुम तो दो तीन बार पहन चुके हो, पुराना ही तो था ना दीदी, कोई बात नहीं। सुनो एक काम करो, ये बहुत थक गई है आज, ठीक है? सुबह से हम लोग लगे हुए हैं एकदम बिल्कुल काम में। तुम एक काम करो, चाय बनाओ तुम्हारा ऊपर बैठ करके। अच्छा चाय बनाऊंगी यार? चाय बनाओ, क्या हो गया तुम? ज्यादा नहीं बोलो, अभी आराम से बात करिए, बेकार का फिर तुम्हारा ही मूड खराब हो जाएगा। जब मेरा मूड खराब हो जाएगा, मेरा मूड खराब हो चुका है, अब मेरा मूड ना कभी सही ही नहीं होगा, समझे? यार तुम्हें समझाना ही बेकार है। कोई नहीं, हमें सही करना ही नहीं आपका मूड, सही हो चाहे ना सही हो, बहुत ही बोल रही हो। नहीं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। अब मैं जा रही हूँ कवर्ड में से, तब तक चाय बना। चला जाकर दिखाना मेरे रूम में। हाथापाई क्यों कर रही रखती हो भैया वाले? हाथापाई नहीं करूंगी, मैंने कराऊ क्या किसी आदमी को? पति बना लू क्या अपना? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? अरे हम लोग आराम से अच्छे से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। वो मुझे दिक्कत हो रहा है ना। काम करो पहले, तुम चाय बना जाओ। मैं चाय बनाऊंगी और इसके लिए चाय बनाऊंगी मैं। तो किसके लिए चाय? चाय नहीं बनाती थी मैं, आती थी तो पहले का बात कुछ और था, ठीक है ना? ये सब मैं नहीं समझती कि तुम इस तरीके से कर रही हो। तुम तो भैया बोलती थी इसे तो कौन? अरे यार नहीं, ये भैया बोलती थी आपको ना सामने। क्या बोलती मैं पुनीता? ओ मतलब मुझे बस दिखावा के लिए भैया भैया थे, और दिल में कुछ और था तुम्हारे।
कैसा लगा मेरा मजाक? ओके फ्रेंड्स, काफी ज्यादा सीरियस माहौल हो गया है यहाँ पे। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये प्रैंक कैसा लगा। आप भी बोलना चाहेंगे? नहीं, आप भी फ्रेंड के बारे में पानी पी रही है। देखिए काम है ये, एसडी में आके पानी पूरा आउट हो गई है। अरे कम से कम तीन से बैठ तो जाइए उठ के। ओके फ्रेंड्स, हम लोग जल्द मिलेंगे आप अपने दूसरे वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।